हम लोग जा रहे हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम और हम लोग बस कर चुके हैं। यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है। ये देखिए व्यू है बाहर का, बहुत सुंदर व्यू है बाहर का। यहाँ से सामने देखेंगे मेन रोड भी है, यहाँ पे अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे सब चीज। सो हम लोग रात भर इसी होटल में स्टे किए थे, अब मॉर्निंग हो गई है। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, 9 बजे चेकआउट करके मंदिर में जाएंगे। बाहर का कॉरिडोर दिखा देते हैं, तो मंदिर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे अगर आपको दर्शन करा सके तो करवाएंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पीछे मंदिर है इतना सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे बनाए हुए विष्णु जी सो रहे हैं, ये राम जी नाव पे जा रहे हैं, और ये महादेव है पीछे, इसमें शिवलिंग है। तो ये है सीहोर, तो आपको दिखाते हैं अंदर से भी। ये बस भोजनालय है, यहाँ पे सब भोजन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन अवेलेबल है। हम लोग गाय को घास खिलाने जा रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग रुद्राक्ष की लाइन में खड़े थे बहुत देर तक, सबको रुद्राक्ष मिला था। यहाँ पे रुद्राक्ष मिलता है जो लोग रोगी रहते हैं उनको देने के लिए, पानी में घोल के पीना, ऐसा सुना था मैं, और आज हमें मिला है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। कुबरेश्वर धाम हम लोग आए हैं, ये है कुबरेश्वर धाम का शिवलिंग। खाना खाने आए हैं, लंच आ चुका है और अभी और आना बाकी है, बस धीरे धीरे और आएगा, फिर और खाएंगे, तब तक एंजॉय करते हैं। हर हर महादेव, जय कुबरेश्वर धाम, कुबेर भंडारी। मुझे दर्शन कर लीजिए सब लोग अच्छा से, और अपने मन की बात, मनोकामना सब मांग लीजिए महादेव शंभू। सो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे देवास के लिए, वहाँ एक माता रानी का मंदिर है पहाड़ पे, वो दर्शन करते हुए फिर हम लोग जाएंगे उज्जैन। तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने संग। मंदिर में एंजॉय कीजिए, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से, एकदम छोड़ के जाने का मजा आ रहा है। वो लोग निकल गए क्या आगे? देवास के लिए हम लोग बस में बैठ चुके हैं, यहाँ से 1.5 घंटा में हम लोग देवास पहुँच जाएंगे, चामुंडा माँ के मंदिर। तो स्टे ट्यून, आगे मिलते हैं।